हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो कूलर का वाटर पंप होता है उसको कैसे रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ, जब हम इसको ऑन करते हैं अगर ये पानी नहीं उठा रहा, ये चल नहीं रहा, तो हम सोचते हैं कि ये मोटर हमारी ख़राब हो गई है, ये पंप हमारा ख़राब हो गया है। लेकिन ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये ख़राब सिर्फ दो ही केस में होता है। मान लो हमारा कोई ओवर वोल्टेज आ गया, लो वोल्टेज आ गई, उस केस में इसकी अंदर की कॉइल है वो जल सकती है, अदरवाइज इसकी ख़राब होने की कोई चांस नहीं होते। तो इसके अंदर कैसे इसको रिपेयर करते हैं, कैसे ये काम करता है, मैं आपको आज की इस वीडियो में यही दिखाऊंगा। सबसे पहले आप धीरे मतलब कि एक एक पॉइंट देखते रहिए शुरू से लास्ट तक। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं इसके जो बैक साइड है, जो केबल की साइड है, उसको चेक कर लेना है आपको। यहाँ से इसको ओपन करके पीछे का कवर, कोई केबल में कोई फॉल्ट ना हो गया हो, ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसका जो केबल का बैक का पॉइंट होता है वहाँ पे ये हिल हिल के कट जाता है और यहाँ पे स्पार्क हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये सबसे पहले ये केबल इसकी चेक कर लेनी है कि ये केबल तो ठीक है ना, मतलब कि इसकी केबल अभी ओके है। तो दूसरे इस केस में कहाँ होता है, जो हमारा ये सामने कैप लगा होता है, ये इसको आपको इसके इस तरह से खोल लेना है और जो ये इसका कवर है इसको निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये इसका है इम्पेलर, यानी कि जो घूमने वाला है। ठीक है, और ये इसकी मैग्नेट है और इसके अंदर ये कॉइल है। कॉइल के अंदर जब हम वोल्टेज वैन की पावर देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेट बनता है, तो ये क्या है, इंडक्शन बनता है, तो ये घूमने लग जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, हमने खोला है, खोलने पर ये कचरा सा निकल रहा है, ये कचरा सा इकट्ठा हो जाता है और ये चलने नहीं देता है, इस इम्पेलर को ऐसे रोटेट नहीं होने देता ये। तो ये इसको साफ़ कर लेना है सबसे पहले हमें, जो ये इसके इंपेलर के साथ जो मैग्नेट के ऊपर लगा हुआ है, इसको किसी के एमरी पेपर या फिर फाइल वगैरह से इसको साफ़ कर लेना है, बिल्कुल साफ़। मैं आपको यहाँ पे साफ़ करके दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दो मोटर को साफ़ करके दिखाऊंगा, एक ये पास में रखी है, ये जो ये वाली है इसको भी करके दिखाऊंगा आपको, फिर इसको ऑन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ से तो बिल्कुल साफ़ हो गया है। अभी क्या करना है, अभी जो इसके अंदर जो कचरा है उसको भी इस पेचकस से या फिर स्क्रू ड्राइव से या फिर एमरी पेपर से किसी से इसको अंदर से बिल्कुल साफ़ कर लेना, जो इसका अंदर जमा हुआ है कचरा जमा हुआ है पानी का, पानी के अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है, इम्प्योरिटी होती है, वो जम जाती है इसके अंदर। तो उसको हमने जो इसके अंदर मैग्नेट वगैरह है इसको कपड़े से या फिर उसको निकाल लेना, बिल्कुल साफ़ कर लेना है। ठीक है, इसको हम इसके अंदर हम कपड़ा डाल के सब साफ़ कर लेते हैं अभी। फ्रेंड्स हमारा ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, इसके साथ साथ इसके बिल्कुल यहाँ से इधर भी जो इम्पेलर के साथ टच ना हो बिल्कुल साफ़ कर लेना है इधर से भी, और जो इसका ये कवर है जहाँ पे हमारा इम्पेलर एक साइड से वो होगा टाइट होगा उधर, उसको भी हम साफ़ कर लेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स अभी अब हमारा ये साफ़ हो गया है, इसको हमने वापस इसके अंदर डाल के और इसको टाइट कर देना वापस। ठीक है फ्रेंड्स, टाइट करने के बाद हम इसको ऊपर का जो कवर है इसको भी जो ये अंदर जो इम्प्योरिटी जमी हुई है जिसके अंदर कचरा जमा हुआ है इसको भी साफ़ कर लेंगे, ताकि इसकी जो जाली है ये भी साफ़ हो जाए, यहाँ से हम ये मतलब हमारी मोटर है पानी इजीली उठा सके। ठीक है, तो
तो इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि ये बंद की होती है तो इसके अंदर कचरा जम जाता है, ये इसी वजह से इसका इंपेलर घूम नहीं पाता, मैग्नेट्स की मतलब कि एक साइड में फंसा रहता है, इसी वजह से मतलब कि चिपक जाती है। तो उसमें सबसे पहले आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, हमारे पास ये एक पावर है, इसको हम यहाँ तो भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही चल रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो। अब बंद कर दिया हमने और अभी ये चलने लग गई, ठीक है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल आवाज़ आ रही है, सही चल रहा है इसका इंपेलर। खोल के दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होती है, इसके अंदर जो कचरा जम जाता है इसलिए जाम हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि ये ख़राब हो गई है और हम नया परचेज कर लेते हैं। तो आपको ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने घर पर ईजिली इसको साफ़ करके इसको ऑन कर सकते हैं, यानी कि साफ़ करके इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह इसको भी हम कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे, और अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये नहीं चल रही है, मैंने अभी चला के देखी थी, ये देखो फ्रेंड्स अभी चल नहीं रही है बिल्कुल भी, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से इसको रिपेयर कर लेंगे और ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने ये देख ही लिया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में भी, ताकि अपने दोस्तों की भी हेल्प हो सके, अपने दोस्तों की अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी इसको आसानी से सोल्व कर सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल वाइक इलेक्ट्रिकल। जय हिंद, वंदे मातरम।